अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4, 9th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए हमें ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझना होगा। जब तक इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें एक्सरसाइज 1.2 की समझ नहीं आएगी। तो बच्चों ये ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास फर्स्ट वाली आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहती है? इफ इट हैज ओनली वन रो जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, एक ही रो हो। रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये हमारे पास। तो इसमें कितनी रो आ रही हैं? वन रो, ठीक है। या मैं लेता हूँ वन बी मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें 2 और 3 ले रहा हूँ, उसमें कितनी आ रही हैं? वन रो। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो आए, रो आपको पता है वो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल। तो जिसमें एक ही रो आए आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में, दोनों में एक एक ही रो आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। जी नेक्स्ट वाला है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? आपको पता है ये वर्टिकल होता है, ठीक है ना, वर्टिकल जो खड़ी हुई चीज़ होती है, ठीक है ना, जैसे हमारी दीवारें हैं, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहता है? इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आए। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास, आपके सामने मैं लेता हूँ ए मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 9, 7, 0, ये हमारे पास है। आप देख सकते हैं इसमें एक ही कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आपको पता है रेक्टेंगुलर कहाँ से निकला है? रेक्टेंगल से। इसमें क्या होता है? ये दो आपस में बराबर होती हैं और ये सामने सामने वाली आपस में इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से निकला है। तो इसमें समझना है आपने कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। जी कहता है इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। कहता है जो नंबर ऑफ रोज हैं नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ M जिसमें हमारे पास 1, 9, 7, 6, 0, 1, ये हमारे पास M मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें कितनी रोज आ रही हैं। एक रो ये R1, R2, कॉलम कितने आ रहे हैं? C1, C2, C3, C3, ठीक है। तो इसमें देखें इनका ऑर्डर, देखें इनकी रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, क्या इक्वल आ रहे हैं? रो कितनी है हमारे पास? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों एक और एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। आपके सामने मैं लेता हूँ ए मैट्रिक्स जिसमें
सेवन और सिक्स एलिमेंट है। आप देखें इसमें कितनी रोज आ रही हैं, सिर्फ वन रो और कॉलम सी वन सी टू। तो रो हमारी कितनी है, वन रो है और कॉलम कितने हैं, टू। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल। तो ये भी आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के ये अपोजिट है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ रोज हों वो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें टू एलिमेंट है, इसमें कितनी रो आ रही हैं, आर वन। कॉलम कितने आ रहे हैं, एक ही कॉलम। तो एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो ये आपस में क्या होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि इनकी सॉरी वन इनके जो रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल हैं। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एल एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 0 3 9, इसमें देखें रोज कितनी आ रही हैं, आर वन आर टू। कॉलम कितने आ रहे हैं, सी वन सी टू। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, टू, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स होगा जिसमें उसकी सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज या एलिमेंट जो अंदर होते हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर वाले एंट्रीज इज ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 0 0 0 0, या हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 0, ये दो एग्जांपल हैं जिसमें उसकी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। जी बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि वो मैट्रिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उसको चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम में, या ऐसे भी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज, या आप जो कॉलम्स हैं नंबर ऑफ कॉलम उनको नंबर ऑफ रोज में भी तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जी एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 9 7 0 7 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर स्मॉल टी डालेंगे। ये ट्रांसपोज को इससे शो किया जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ऊपर स्मॉल टी, किसी कोई भी मैट्रिक है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है तो उसके ऊपर छोटा टी लिखना है आपने स्मॉल लेटर में। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रोज आ रही हैं, इसको मैं लिखूंगा कॉलम में, ये वाली बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम में क्या करना है, चेंज। तो मैं फर्स्ट रो हमारे पास आर वन थी, मैंने सी वन में लिख दिया, ठीक है। फिर सेकेंड रो है हमारे पास आर टू, ठीक है ना, उसको भी मैं कॉलम में लिख दूंगा ऐसे। तो ये हमारे पास आज सी वन सी टू। तो देख लें मैंने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दिया है। एग्जांपल नंबर लेते हैं हम टू, एग्जांपल नंबर टू लेते हैं, उसमें हमारे पास
एक कोई एम मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 9, ठीक है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 9, ठीक है ना, ट्रांसपोज, मैंने रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट हैं 1, -2, 3, 4, ठीक है, तो हम अगर इसमें से क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस हम कॉमन लेंगे जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि एक हमारे पास फर्ज करें कि मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है एम है, उसके कुछ एलिमेंट होंगे, तो मैं क्या करता हूँ इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो वो वापस फिर वही आ जाता है, एक मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, वापस फिर वही मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं क्या करता हूँ इसका ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका मैंने क्या करना है ट्रांसपोज लेना है जी, ट्रांसपोज लूँगा, ऊपर स्मॉल टी डालेंगे जी, ये जो पहली रो है उसको मैं कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, ठीक हो गया बच्चों। तो देखें ज़रा कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स क्या सेम नहीं है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, -1, 4, 2, -1, 4, 3, 4, 0, 3, 4, 0, तो देखें मैट्रिक्स हमारे पास एम था, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया है, आपके सामने मैंने जो रोज हैं वो कॉलम में लिखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या आ गए हैं, सेम, ठीक है ना, इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो जब ये के ट्रांसपोज वापस फिर एम के ट्रांसपोज लिया, वो फिर एम के बराबर आ गया, तो वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एग्जांपल थी बुक वाली, अब मैं खुद से एक आपको इजी एग्जांपल देता हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 0, 0, 2, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है, तो इसका मैं लेता हूँ ट्रांसपोज जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखूंगा जी, बताएं अब कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं, ये दोनों आपस में क्या हैं, सेम, तो जब ए का मैंने ट्रांसपोज लिया वापस फिर वही आ गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम ट्रांसपोज देते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, एक ट्रांसपोज मैंने लिया है, लेट फर्ज कर रहे मैंने एम का, एम हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो माइनस एम के इक्वल आएगा, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है वो दोबारा एम तो आ रहा है वापस, वही आंसर दे रहा है लेकिन साथ में माइनस देगा। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि वो सेम, वो ट्रांसपोज लेते हैं सेम वही देता है, स्क्यू सिमेट्रिक में साथ माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारा, ठीक है, उसके एलिमेंट हैं 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1, 0,
ठीक हो गया ये हमारे पास। इसका मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मैं क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखूँगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखूँगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखूँगा। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब मैं इसमें से क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। माइनस जब कॉमन लेंगे आप जानते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स आप पढ़ के आए हैं कि साइन चेंज होंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो जीरो, तो जीरो ही रहता है। माइनस का टू था प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस का थ्री था प्लस का हो गया, टू प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जीरो ऐसे ही रहेगा। माइनस का वन था वन हो गया, थ्री प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस वन जीरो, जीरो वैसे ही रहता है। ठीक है, तो बाकी जो माइनस के वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। तो देख सकते हैं बच्चों आप ये वाला मैट्रिक्स जो ए था वो वापस वो ही आ गया है। इसका मतलब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया फिर माइनस कॉमन लिया है, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये इसकी जगह पे मैं ये ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए के बराबर है। तो आप ये चीज़ ठीक है, तो आपके सामने आया कि आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसमें माइनस कॉमन लिया, वापस ये मैट्रिक्स आ गया उधर साथ माइनस आ गया, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ जी बच्चों। एग्जांपल नंबर टू है हमारे पास बी मैट्रिक्स लें आप, ठीक है, उसमें आप एलिमेंट लें ज़ीरो ज़ीरो माइनस थ्री थ्री और ज़ीरो, ठीक है। आप इसका लें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, जो सेकंड रो है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस का अमल है, साइन जीरो तो जीरो रहेगा ना, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, जीरो ऐसे ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ वापस उसके बराबर नहीं चली गई बी के, तो यहाँ बी आ जाएगा, माइनस सात आएगा और बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, ठीक है। कहता है जो डायगोनल, डायगोनल आपको पता है क्या होता है, डायगोनल एक मैट्रिक्स है ना हमारा, ये मैट्रिक्स है हमारा, उसकी ये जो है ना वो डायगोनल है, ठीक है। बाकी कहता है बाकी जीरो हो, बाकी सारे क्या हों, जीरो हों। हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं आप, ए मैट्रिक्स है हमारा वन जीरो 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 टू जीरो 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 वन थ्री ले लें, कि बाकी जो हैं वो हमारे पास जीरो हों और डायगोनल में एलिमेंट हो, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ तो मैंने डायगोनल में ये हमारा डायगोनल था ना, ठीक है, इसमें मैंने तीनों एलिमेंट, तीनों ज़रूरी नहीं कि तीनों, बाकी बाकी ज़ीरो होने चाहिए, बाकी बाकी जो है वो ज़ीरो हो, डायगोनल में कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट पड़ा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। आप इसी को फर्ज करो ले लें, आप इधर वन रखते हैं, बाकी ज़ीरो 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 टू ज़ीरो और ज़ीरो, अब तो दो एलिमेंट आ रहे हैं ना, बाकी तो सारे ज़ीरो हैं, ठीक है ना, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। बाकी मेन आपने रखना है इस डायगोनल में कहीं एक आधा एलिमेंट पड़ा हो। आप एक और एग्जांपल ले लें इसी को ही, यहाँ वन रखें ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर भी एक एलिमेंट आ रहा है ना। कहता है एट लीस्ट, एट लीस्ट का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया उसने, वर्ड यूज़ किया है एट लीस्ट, एक आधा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, डायगोनल। बाकी ये आपने देखना है ये ज़ीरो हो, ठीक है, ये ज़ीरो हो, बाकी एक आधा एलिमेंट, ये तीनों थे, ये दो थे, ये एक आधा था, यहाँ चाहे इधर ज़ीरो लिख लें, दरमियान में आप टू लिख लें, वन लिख लें, आप कोई ना कोई सिक्स लिख लें, कोई ना कोई एलिमेंट दरमियान में, आप इधर नहीं लिखना चाहते, आप इधर नाइन लिख दें,
ठीक है ना, एक आधा एलिमेंट कहीं ना कहीं पड़ा होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स दरअसल डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। आप कोई लेट कर लें, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 0 0। यही नहीं कि आप डायगोनल में सिर्फ 3 बाई 3 का लेंगे, आप ये भी ले, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 0 0 1, ठीक है ना, ए एक ऐसा भी ले सकते हैं 0 0 0 9, ठीक है ना। डायगोनल में बाकी वो ज़ीरो होना चाहिए, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट दोनों हो, तीनों हो, जितना मर्जी आपका हो, स्केयर स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ये 2 बाई 2 का था, ये 3 बाई 3 का है, ठीक है ना। तो आपका जो है ना डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट, वो आप 2 बाई 2 का हो सकता है, 3 बाई 3 का हो सकता है, ठीक है ना, 4 बाई 4 का हो सकता है। तो ये मैं ले रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स 2 बाई 2 का, ठीक है ना। तो आप इधर सेवन देख लें कि सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि 3 0 0 3, ठीक है। आप एक और एग्जांपल मैं बाद में समझा देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लें आप, क्या आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये डायगोनल है वो क्या है, वो सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं। ए मैट्रिक्स में आपके पास 3 3 है, बी में के पड़ा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, सी आपके पास 9 है। तो आप देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। के स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो स्केलर होगा ना, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे और डायगोनल वाले जो होंगे वो सेम होंगे। तो ये दरअसल डायगोनल भी मैट्रिक्स हैं लेकिन स्केलर हैं, स्केलर इस वजह से हैं क्योंकि ये इनके जो डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स था। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आपको पता है यूनिट किसको कहते हैं, इकाई को, एक को, ठीक है ना। आइडेंटिटी यूनिट हम कहते हैं, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैं बताता हूँ, आप ए लेट कर लें, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स बाकी जीरो में, बाकी जीरो में, ठीक है ना। तो जो डायगोनल है वो आपका क्या है, उसमें एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1, ठीक है ना। तो ये आपका होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट। तो फिर जो इसको डिनोट करते हैं, आप इसको आई के साथ क्या करते हैं, डिनोट करवाते हैं, ठीक है ना, आई के साथ। आपके पास जहाँ भी आप मैट्रिक्स के चैप्टर में आपसे कहीं भी आई के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट डायगोनल में सारे 1 होता है, ठीक है ना, और बाकी 0। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली आपको हर वीडियो मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।